मॉर्निंग गाइस, अभी बजा है 5:30। मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है कोची जाना पड़ रहा है किसी ऑफिशियल काम की मीटिंग से। सो उनको जा रहा है एयरपोर्ट ड्रॉप करने। और सुबह सुबह देखिए एकदम अंधेरा हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह हम लोग को छोड़ के जाने का? इट इज अ वेरी टफ डिसीजन। ऑफिशियल वर्क के जाना पड़ जाता है, अदरवाइज मेरा कोई बहुत मन नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल भी मन नहीं है। सुबह सुबह मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, अगर आप जो है सुबह रोज इतने समय उठ जाओ तो कितना अच्छा हो जाए। देखिए लोग एयरपोर्ट के रास्ते पे आ गए हैं क्योंकि घर से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। सारी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सब। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट तो पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पे देखिए 26 जनवरी का इन्होंने कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत सुंदर लगा। पूरी बहुत सारा लाइट लगी हुई है। ठीक है चलो जाओ फिर, बाय। चाबी कहाँ है गाड़ी की? चैनल वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज सुबह सुबह वही 5:30 ऐसे ही था, 5:30-6 था। सो मेरे हस्बैंड जो है एक के लिए कोची गए हैं, उनकी मीटिंग है। सो मैं उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आई। फिर उसके बाद में बहुत सुबह था तो मैं दोबारा से सो गई और फिर उसके बाद उठी, फिर बच्चों को रेडी किया, फिर स्कूल छोड़ करके आई। फिर मैंने नहा तो पहले ही लिया था, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अब मैं जा रही हूँ अपना रूम क्लीन करने क्योंकि प्रीति भी आ गई है। सो फटाफट से रूम क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। भाई सुबह सुबह का काम तो यही होता है कि जो भी बच्चे सब फैला के जाते हैं उनको समेटना होता है, क्लीन करना होता है। तो बस आज भी का जो रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। और मेरे रूम की हालात कुछ इस तरह से हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो मुझे अभी ये सब क्लीन करना है, सारा साफ करना है। उसके बाद में प्रीति आओ चले कमरे में, आ रही हो? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. सारा फिनिश हो चुका है और अब मैं निकल रही हूँ स्कूल, बच्चों को लेते हैं। और छुट्टी का टाइम भी हो चुका है उनका और घर पूरा साफ सुथरा हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है, बस बच्चों को लाना है। मम्मी हम जा रहे हैं। सो अब निकलते हैं। चाबी
आज मेरे हस्बैंड ने काम किया है जो कि चाबी जो गाड़ी की है वो मेरी गाड़ी की चाबी भी अपने साथ में ही लेके गया है। हाँ तो मुझे निकालनी है दूसरी चाबी, हाँ सेकंड की ले ली है और अब निकलती हूँ मैं। और धूप बहुत अच्छी निकल रही है सुबह से, आज यही हो रहा है धूप आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है यही चल रहा है। अब बहुत अच्छी धूप निकल, लेकिन हवा तो बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तेज। तो रात में कुछ बारिश भी हुई है, गाड़ी इतनी गंदी पड़ी हुई है और आज आया भी नहीं गाड़ी साफ करने वाला, तो बस चलानी पड़ेगी मुझे ऐसी गंदी गाड़ी, अब क्या करें इसके लिए। सो डिनर वगैरह हम लोगों का हो चुका है, अभी वशु ने डिनर नहीं किया है सो उसको उस समय उसको भूख नहीं थी, तो अब मैं जो है उसको दे रही हूँ खाना। और आज का दिन तो पूरा ऐसे ही निकल गया, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ क्योंकि फिर वही बच्चों को देखना वगैरह जब हस्बैंड होते हैं तो फिर ज़्यादा थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, वरना अकेले तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है फिर। और हाँ फिर हस्बैंड से बात भी हो गई, एक वो करीब जो है 5:30 बजे पहुँचे क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, सो पहले तो वो गए बैंगलोर, बैंगलोर से फिर गए वहाँ कोच्चि क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगे। सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं, वो भी मैं वो तो 4 बजे उठे थे, मैं 5:30 बजे उठी थी। और बस आज का ब्लॉग रिपेंट करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल द ब्लॉग्स, बाय गुड नाइट।